खबर पौड़ी गढ़वाल से। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज 2 अक्टूबर को जनपद भर के समस्त कार्यालयों भवनों में सादगी से मनाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजा फहराया, साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय के एक सांस्कृतिक दल द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन संवेत गायन किया गया। वहीं जनपद के समस्त कार्यालयों विकासखंडों व तहसीलों में भी महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने कंडोलिया में CDS स्वा श्री बिपिन रावत व महात्मा गांधी जी की प्रतिमा सहित एजेंसी चौक पर शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की और भजन भी वहां पर गाए गए। कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने एक को सेलिब्रेट किया। इसके बाद में विपिन रावत पार्क में भी अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित, अन्य शहीदों के स्मारक को भी हम लोग पुष्पांजलि वहाँ अर्पित करने वाले। स्वच्छता कार्यक्रम और गांधी जी के दर्शन और फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन और दूसरे कंट्रीब्यूशन का विचार गोष्ठी भी रखी। मेरा प्रणाम, देश का प्रणाम देश और प्रदेश वासियों को। आज गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। सारा देश, हमारा जो प्रदेश है और हमारा खंड और हमारा उत्तराखंड में जो शहर पौड़ी है, यहाँ पे सारे लोग, चाहे नगर पालिका हो, न्यायपालिका हो, संगठनों के द्वारा यहाँ पे एक मतलब जो हमारा सफाई का जो है वो अभियान चल रहा है और सारे लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। सारे संगठन अपनी तरह से भव्य रूप से मना रहे हैं और उसमें हम भी अपना योगदान कर रहे हैं। बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और लगभग सारे जितने भी यहाँ पे सभी प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो गैर संगठन है, चाहे वो सरकारी है, सभी लोग यहाँ पे इसको जो सफाई का हमारा मोदी जी के द्वारा चलाया गया था 2 अक्टूबर को, सारा देश उसको मनाता है, सभी लोग उसको भव्य रूप से मना रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जिला संयोजक रही हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला संयोजक पौड़ी से, और काफी मतलब मोदी जी का एक वीडियो को मैं आज अगर यहाँ पे बोल सकूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ और काफी फ्रीडम बेटियों को मिला है और इसी कारण आज हमारे बच्चे काफी आगे, कोई पायलट बन रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, मतलब उनका काफी योगदान रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि बेटियां घर तक ही सीमित रहती थी और आज मतलब हम लोग झाड़ू लेके रोडों पे चल रहे हैं और खुले हम काम कर रहे हैं या बेटियां या बच्चे रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम तो मैं जब छोटी थी हम तब भी करते थे मगर एक लिमिट हुआ करती थी, अपने स्कूल तक सीमित थे, मगर आज हम बड़े बड़े मंचों में जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बाहर विदेशों में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, हर चीज में, चाहे वो खेलने में है, चाहे किसी भी ओलंपिक में है, हर चीज में हमारी लड़कियां आगे हैं। और ये मैं इसके लिए अपने मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ ऐसे गांधी जी के भी उसमें काफी संस्कार थे जो उन्होंने लोगों को बताया है कि वास्तव में अगर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने काफी देश के लिए किया है और वो चीजें हमने केवल किताबों में पढ़ी थी कि ऐसा है, हम छोटे से किताबों में पढ़ते थे, मगर वो चीजें अगर धरातल में उतारी है तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा है और सभी लोग, हर वर्ग का बच्चा हो, लोग हो, व्यक्ति हो, वो इसको मना रहा है 2 अक्टूबर के दिन। और मैं इसी चीज को देखते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अपने गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी को बेटियों को आगे बढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।